दोहरे हत्याकांड के 5 आरोपी गिरफ्तार, 3 अब भी फरार। दुकान के विवाद में 2 भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। दुकान को लेकर हुआ था विवाद। आपको बता दें कि शिवपुरी के पिछोर कस्बे में दोहरे हत्याकांड के फरार 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 3 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। 2 सगे भाइयों की हत्या करने के बाद आरोपी फरार चल रहे थे, जिनमें से 5 आरोपी पिछोर की सीमा छोड़कर झांसी की सीमा में प्रवेश करना चाहते थे। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें कार में सवार होकर भागते वक्त गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि पिछोर कस्बे के रहने वाले विजय घावरी उम्र 40 वर्ष और अजय घावरी 35 वर्ष पिछोर की अनाज मंडी के बाहर कई वर्षों से मीट की दुकान करते हुए आ रहे थे। हालांकि कुछ समय पहले उनकी दुकान के पास शेर सिंह घावरी ने मीट की दुकान खोली थी और यही वजह रही कि दोनों के बीच विवाद चलने लगा था। रविवार 1 सितंबर की शाम कार और बाइक पर सवार होकर सागर घावरी, मनीष घावरी, राजेंद्र उर्फ छोटा कल्ला, संतोष घावरी, कल्लू घावरी, अमर घावरी और सौरभ घावरी और शेर सिंह घावरी पहुंचे थे, जहां अजय और विजय दोनों भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अभी से आरोपी फरार चल रहे थे। ये 1 सितंबर 2024 को पिछोर थाना अंतर्गत मंडी के पास 2 पक्षों में विवाद हो गया था, जिसमें 8 लोगों ने एक राय होकर 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी और फरार हो गए थे। पुलिस ने तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध किया और फरार आरोपी गिरफ्तारियों के प्रयास किए और लगातार प्रयास करने के बाद कल शाम को मुखबिर सूचना पर इसी आरोप से संबंधित 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनको आज माननीय न्यायालय में पेश किया जाए। अभी कितने आरोपी बाकी? अभी 3 आरोपी और शेष रह गए हैं, जिनको हम शीघ्र अतिशीघ्र गिरफ्तार कर लेंगे। क्या क्या नाम जो अभी पकड़े गए हैं? उनमें अमर घावरी, सागर घावरी, सौरभ घावरी, संतोष घावरी और मनीष घावरी है, और जो शेष रह गए आरोपी हैं वो शेर सिंह घावरी, कल्लू घावरी और छोटा कल्ला और राजेंद्र घावरी अभी फरार हैं। इन 3 लोगों को जो अभी बाकी है, और भी कहीं इनके तार कनेक्टिविटी कोई अन्य आरोपियों के लिए चाहिए? हमारी टीमें लगातार जगह जगह दबिज दे रही हैं और हम जल्दी ही उनको कनेक्टिविटी के आधार पर और वो कहाँ कहाँ जा सकते हैं उसके आधार पर गिरफ्तार कर लेंगे। ऐसा अंदेशा है अभी कितने दिन में आप लोगों की सफलता की कहानी नई सामने आएगी? मैं कह रहा हूँ ना, शीघ्र अतिशीघ्र हम इनको गिरफ्तार कर लेंगे। इनके साथ में क्या कुछ सामग्री और वाहन बरामद? जी बिल्कुल, आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 1 अल्टो कार, 2 राइफल जो कि लाइसेंसी थी और 1 अधिया और 3 जिंदा कारतूस भी पुलिस ने बरामद की है। ये खनिया थाना और पिछोर के बीच में दबिया कला जो रास्ता पड़ता है, वहां से मुख्य सूचना पर गिरफ्तार की है। क्या